तलाक तलाक तलाक, अगर इस्लाम धर्म की माने तो ये तीन शब्द सुनकर इंसान क्या धरती अंबर तक कांप जाते हैं। इस्लाम धर्म ने भी एक साथ तीन तलाक को हराम करार दिया है, तो वही मोदी जी ने भी तीन तलाक के संबंध में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाकर इस कुप्रथा को बंद कराने की पूरी कोशिश की, फिर भी ये कुप्रथा बंद होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के भिकन गाँव में सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित यास्मीन को तीन बार तलाक कहकर छोड़ देने वाले पति शाहरुख पिता याकूब उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की धारा 498A और तलाक के संबंध में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यास्मीन का पति शाहरुख और सास शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। शाहरुख ने दो बार यास्मीन को तीन बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा स्थानीय पुलिस सहित पुलिस अधीक्षक को भी साथ ही एडवोकेट पवन चौबे के माध्यम से कोर्ट में परिवाद में दाखिल किया गया था। बहरहाल तीन तलाक के विरुद्ध मुस्लिम महिलाओं के हक में 2019 में कानून बनाए जाने के बावजूद भी मुस्लिम समाज में कई जगह उक्त कुप्रथा आज भी जारी है। बिकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। आपके द्वारा थाने में तीन तलाक को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके तहत आज केस दर्ज हुआ है, क्या मामला है ये पूरा? ये दहेज के मारपीट में से शादी होने को उनको 2 साल हो गए, जब से मेरे को सिर्फ 1 महीना उन्होंने अच्छा रखा और खूब दहेज के प्रति मारना ठोकना, बोलते 2 लाख रुपए तेरी माँ के पास ला, हम मेरे माँ बाप पूरा सीधा सा गरीब है कहाँ से देंगे, मैं बोलती तो आखिरी में उन्होंने मेरे को मार ठोक के भगा दिया और तीन बार तलाक तलाक दे के और घर से निकाल दिए। फिर बाद में कुछ राजीनामे के लिए कोई प्रयास हुए थे क्या? राजीनामे तो बहुत बार ये करे, कुछ वो राजी नहीं होते हैं महिला राजीनामे, इसमें भी गई मैं सब जगह जाती तो महिला के इसमें भी मेरा केस लगा था, वहाँ से भी आ रही तो वहाँ पे भी मेरे को बोले मैं तेरे को रखना नहीं चाहता, तीन बार बोले तलाक दे रहा तलाक, और वहाँ से भी मेरे को तलाक दे के निकाल दिए। अब सामाजिक रूप से आपको क्या परेशानी झेलना पड़ रही है तीन तलाक को लेकर? मेरे कोई कहीं पे भी थाने भी जाती हूँ, वहाँ भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, वहाँ पे भी मेरी जाना लिखना, अभी भी सास का भी मेरा इतना मारना कूटना, खाना नहीं देती थी मेरे को सास भी। आपके समाज में क्या प्रक्रिया चल रही है इस चीज को लेकर, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं आपके समाज वाले? समाज वाले यही कि समझौता करो, पर वो करने को राजी नहीं होते और पापा को समाज से ये कर दिए, बुलाना तुलाना सब बंद कर दिए। अच्छा, समाज से बहिष्कृत कर दिया आपको? ठीक ठीक। तीन तलाक को लेकर एक मामला पुलिस थाने पे आया, क्या है पूरा मामला? एक यास्मीन पिता शाहरुख जाति मुसलमान निवासी भरन गाँव की महिला ने शिकायत अपने पति के विरुद्ध करा। उसने अपनी शिकायत में बताया कि 2017 में उसका दूसरा निकाह अपने पति शाहरुख के साथ हुआ था और शादी के कुछ समय तक उनका संबंध अच्छा रहा, उसके बाद उनके बीच में पारिवारिक विवाद होता रहा और उसके पति के द्वारा अपने मोबाइल की शॉप चलाने के लिए दहेज के रूप में रुपये पैसे की मांग की जाने लगी और जब उसकी मांग की पूर्ति नहीं हुई तो उसको परेशान और तंग किया गया और इस बीच उसको अपने घर से निकाल दिया गया और जब निकाल दिया गया तो उसके पति द्वारा उसको तलाक 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 करके कही गई। फिर ये मामला परिवार परामर्श केंद्र और महिला सेल में भी दोनों पक्षों को बिठा कर बात की गई, वहाँ पर भी उनका कोई राजीनामा नहीं हुआ, तो उसी दौरान इनके बीच में पुनः तलाक तलाक की बात सामने आई और जब दोनों पक्षों के बीच में आपसी राजीनामा नहीं हुआ तो फिर इसके बाद उनके द्वारा शिकायत करने पर आज अपराध पंजीबद्ध कर दिए। किन किन धाराओं में अपराध प्रकरण? ये 498 कर भारतीय दंड विधान और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 4 के तहत। सर ये आवेदन तो बहुत समय से था, मतलब पुलिस द्वारा इसमें देरी क्यों की गई दर्ज करने में? ये जब दहेज से संबंधी कोई मामला सामने आता है तो उसमें एक बार परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को बिठाकर परामर्श किया जाता है, अगर दोनों पक्षों के बीच में सुलह नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसमें कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, उसके बाद में शायद मामला तो परिवार दर्ज होने के बाद में दर्ज हुआ ये मामला, इसके संबंध में अभी जानकारी मुझे नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।